ये मातृभूमि, यह भारत की भूमि कोई सहज नहीं है। सभ्यता संस्कृति और मर्यादा की देने वाली है, संस्कारों की देने वाली। यहां जन्म लेने वाला कोई साधारण नहीं होता, भगवान की अविरल भक्ति करने वाला, भगवत स्मरण करने वाला कोई साधारण नहीं होता। कोई कोई बगीचे में फूल लगा होता है, वो फूल बड़ा सुंदर दिखता है, परंतु हम उससे भी अच्छा फूल पाने का प्रयास करते हैं, हम उससे भी अच्छा फूल ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक महिला को, एक व्यक्ति को, दोनों को बगीचे में छोड़ा गया कि इस बगीचे का सबसे सुंदर फूल जो है उसको तुम तोड़ कर लेकर आ जाओ। जैसे ही वो बगीचे में प्रवेश करे, कितना बड़ा गुलाब का फूल लगा था, बड़ा सुंदर था, इतना सुंदर उनकी दृष्टि में वो आ गया, मन को भा गया और वो उस फूल को लेने लगे। तो दोनों ने विचार करा कि नहीं नहीं, इससे अच्छा फूल हो सकता है आगे होगा, और आगे बढ़े। फूल वहाँ देखा तो बहुत सुंदर था, इतना बढ़िया फूल है, और आगे देखते हैं। और आगे गए, फूल और सुंदर था, चलो यही तोड़ लेते हैं, ना ना इससे आगे और कोई फूल होगा। और आगे गए, वहाँ फूल देखा, बड़ा बहुत सुंदर है, इसको तोड़ लेते हैं। आखिरी में बस और देखते हैं, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, करते करते आखिरी में पहुँच गए। उस बगीचे में जाने का नियम ये था कि पलट कर वापिस नहीं आ सकते थे, आगे ही बढ़ते जाना था। आखिरी में जब पहुँचे तो फूल एक साधारण सा था, अब तोड़ना तो जरूरी था, तो वही साधारण सा फूल तोड़ कर वापिस आ गए। किसी ने पूछा, बगीचे में गए थे, फूल मिला? कहा, जब हम अंदर प्रवेश करे थे बड़ा सुंदर फूल था, और अंदर गए और अच्छा फूल था, और अंदर गए और अच्छा फूल था, पर हम ये सोचते रह गए कि और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा। ये ढूंढते ढूंढते हम आखिरी में पहुंच गए, और मालूम पड़ा कि वो फूल अच्छा नहीं मिल पाया। फिर जैसा था उसमें हमें एडजस्ट करना पड़ा, जैसा मिला हमें उसमें रहना पड़ा, और हम ये फूल लेकर आए हैं। हमारी भी जिंदगी ऐसी है, हमें अच्छा लगता है कभी कभी कि बस एक महीने की बात हो रही है, इसके बाद मेरा जीवन ऐसा होगा, लोग देखेंगे मुझे, एक महीना और निकल जाता है। फिर उसको आता है, बताओ अभी तक नहीं, बस 15 दिन और बचे हैं, अच्छा फिर समय आने वाला है, फिर एक महीने बाद देखना मैं क्या करके दिखाती हूँ। फिर एक महीना आएगा, फिर एक महीना आएगा, सालों निकलते चले जाते हैं, और अब अच्छा ढूंढने का प्रयास करते करते अपनी ज़िंदगी को बचपन गंवा देते हैं, जवानी गंवा देते हैं, अधेड़ी गंवा देते हैं, बुढ़ापा निकाल देते हैं, और मरने की कतार पर आ जाते हैं। अच्छा ढूंढते ढूंढते हम पलंग पर पड़ जाते हैं, पर हमको अच्छा नहीं मिल पाता, हमारी ज़िंदगी वही रोते रोते निकल जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा ढूंढने का प्रयास मत करो, जो तुम्हारे पास में है वो इतना अच्छा समय है, जो तुम गुजार रहे हो वो समय इतना अच्छा है, जो तुम्हारे पास वस्तु है वो इतनी अच्छी है, बस उसी में एडजस्ट करना सीख जाओ, तो तुम्हें अच्छा ढूंढते ढूंढते मृत्यु की सैया तक नहीं पहुंचना पड़ेगा। आप अच्छे हो, आपको अच्छा मिल चुका है, जो आपके पास में, जो आपको भगवान ने शरीर दिया, उससे सुंदर कोई शरीर नहीं होगा। आप क्यों अपने आप को कम समझते हो? दूसरे को देखकर तुम्हें लगता है वो कितनी सुंदर है, वो कितना सुंदर है, उसने कितना अच्छा कपड़ा पहन रखा है, उसने कितना अच्छा वस्त्र पहन रखा है, उसने कान के कुंडल कितने अच्छे पहन रखे हैं, उसने हाथ की चूड़ी कितनी अच्छी पहन रखी। ना 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 ना, आप ये देखो कि आप जो पहने हो वो किसी से कम नहीं है। दुनिया की सारी हीरो हीरोइन तुम्हारे आगे फीके हैं, तुम जिस दिन सोचना चालू कर दोगे उस दिन तुम नंबर वन पर पहुंच जाओगे। आप अपने आप को तो छोटा समझ रहे हो, अरे मुझसे आगे वो है, मुझसे बड़ा वो है, मुझसे बड़ा वो है, लोग मुझे तो सुनते ही नहीं है, लोग मुझे तो देखते ही नहीं है, लोग मेरी तो बात मानते ही नहीं है, लोग मुझसे तो कोई बात करते ही नहीं है, जो करता है मेरी जेठानी से करते हैं, जो करते हैं मेरी सासू से करते हैं, जो करते हैं मेरी देवरानी से करते हैं। ना 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 ना, आप अपने आप को छोटा समझ रहे हो, आप अपने आप को नीचा देख रहे हो, आप अपने आप को दुनिया की दृष्टि से आप अपने आप को छोटा समझ रहे हो। जिस दिन अपनी क्वालिटी अपन खुद बनाएंगे, तो अपनी क्वालिटी जब हम खुद बनाएंगे तो मार्केट में भी हम अच्छे ही नजर आएंगे। हम अपनी क्वालिटी बना ही नहीं पाए, हमने अपनी सोच को अच्छा बनाने का प्रयास ही नहीं किया। जिस घर में रहते हैं दूसरे का घर देखते हैं, दिवाली पर जाकर पर्दे देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तुम्हारे यहाँ के पर्दे बड़े सुंदर हैं, तो तेरे यहाँ के पर्दे बेकार हैं।
जब भी बात करेंगे तो कहेंगे भाभी जी भैया जी तो इतने अच्छे हैं ना, तुमको चूड़ी भी दिला दी है, तुमको साड़ी भी दिला दी है, भैया जी इतने अच्छे हैं ना, तुम्हें तो हर कभी घुमाने रायपुर भी ले जाते हैं, तुम्हें तो फ्लाइट में भी बिठा दी है, भैया जी तो इतने अच्छे हैं। अपने पति में कमती दिख रही है, ये मुझे कभी घुमाने नहीं ले गए। बल्कि चार लोगों में जाकर कहना था मेरे पति जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा, जो मेरी बात के अनुकूल नहीं मैं उनके अनुकूल चलती हूं, वो मेरे अनुकूल नहीं चलते मैं उनके अनुकूल चलती हूं। एक बार सतभामा जी को देखकर सतभामा जी रुक्मणी जी से बोली कि ये एक बात समझ में नहीं आती दीदी मेरे को। रुक्मणी जी ने पूछा क्या, कौन सा पुण्य करा है इस द्रौपदी ने जिसके पांच पति हैं, कौन सा पुण्य करा इस द्रौपदी ने जिसके पांच पति हैं और वह पांच पति भी इसके कहने में चल रहे हैं, आप देखिएगा जरा वो पुण्य कौन सा है। दुनिया के लोगों का एक पति सतभामा जी कह रही, हमारा ही भगवान कृष्ण को देख लो, रुक्मणी जी अपने पति को देख लो, अपन 16,108 रानियां, अपना एक पति वो भी अपने कहने पे नहीं चलता और वो द्रौपदी के पांच पति और पांचों उसके कहने पर चलते हैं, आखिर ऐसा द्रौपदी में कौन सा गुण भरा हुआ है। द्रौपदी के पांच पति, द्रौपदी कह दे कि तुम ये इसका शीश काट दो, वो शीश काट दो, इसके मस्तक की मणि निकाल ला, वो मणि निकाल ला, इसके प्राण हर लो, वो प्राण हर लो। हमारा पति एक कृष्ण तो भी हमारे कहने पर नहीं, और हम 16,108 रानियां और हमारा पति कहने में नहीं चलता, और ये द्रौपदी के पांच पति होने के बाद भी द्रौपदी के कहने पर चलते हैं, आखिर द्रौपदी के ऐसा क्या पुण्य करा था, द्रौपदी के पास में ऐसा क्या है, द्रौपदी के पास में ऐसा क्या बूटी है, कौन सी जड़ी है, कौन सी ऐसी भभूति है जो द्रौपदी फेंक देती है और पांच पति उसका कहना मानते। ऐसी कई माताएं जो ना जाने कितनी कितनी जगह पर जाकर कहती होंगी हमारा पति हमारी सुनता नहीं है, गुरु जी कोई ऐसा उपाय बता दो ना कि हमारा पति सुन ले। अब गुरु जी की लुगाई से पूछ लो उनका सुनता है क्या। पहले जो जो तुम गुरु जी के पास गई हो ना पूछने के लिए कि हमारा पति हमारी नहीं सुनता, तो गुरु जी की लुगाई से भी पूछो कि तुम्हारा सुनता है कि ना सुनता, तुम्हें देता है। अब जरा विचार तो करो आप, कहाँ भभूति के चक्कर में पड़े हो, कहाँ दिखावे के चक्कर में पड़े हो, किस दिखावे की तुम बात करते हो। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। इस संसार में सब दुखी हैं, केवल सुख तो एक कोई है जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भजन में रमा हुआ है, वो दुनिया का सबसे सुखी और सेठ व्यक्ति है। बाकी के सब का हम वर्णन क्या करें कि वो आप भी जानते हो कि सुख कहाँ, सुख कहाँ। द्रौपदी सतभामा जी के मन में भाव आ गया, सतभामा जी के हृदय में ये भाव आया कि जरा मैं द्रौपदी से पूछूंगी कि तेरे पास कौन सी जड़ी बूटी है, तेरे पास में कौन सी भभूति है, तेरे पास में ऐसा क्या है जो तेरे पांच पति तेरे कहने पर चलते हैं, जरा मैं भी तो सुनूं द्रौपदी से, मैं पूछूं तो द्रौपदी से। सतभामा जी द्रौपदी के पास गई और द्रौपदी से जाकर पूछा, द्रौपदी हमारा एक पति भगवान कृष्ण हमारे कहने पर नहीं चलते, तेरे पांच पति तेरे कहने पर चलते हैं, उसका कारण क्या है, क्या कारण है तेरा। तब द्रौपदी ने कहा, मैं तो ये नहीं जानती कि मेरे पति कहने में चलते कि नहीं चलते, पर इतना जरूर है जब मैं विवाह कर पहली बार आई और शादी कर मैं पहली बार आई और मेरी सास ने मेरे पतियों से कह दिया, पतियों ने कहा मां देखो हम क्या लाए हैं, और मां ने कह दिया कि पांचों बांट लो,
मेरे सामने पांचों पतियों ने आकर कहा, हम क्षमा चाहते हैं, मेरी मां का आदेश है कि आपको बांटा जाए पांचों के बीच में। द्रौपदी कहती है, अगर आपकी मां का आदेश है तो वो मां केवल आपकी नहीं, मैं शादी कर कर आपके घर आ गई हूं तो वो मां मेरी भी है, उसका आदेश मानना मेरा भी काम है। मैंने इनके पति का, इनकी माता का सम्मान करा। जो नारी अपने पति की माता का सम्मान करती है, अपनी सास का सम्मान करती है, ससुर का सम्मान करती है, आदर के शब्द बोलती है, सत्कार के शब्द बोलती है, घर में बुजुर्गों से इज्जत से बोला जाता है, सम्मान से बोला जाता है, अगर नारी सम्मान के शब्दों से अगर वो पति के माता पिता का आदर कर रही है तो उसका पति पत्नी का आदर करता है और पत्नी के कहने पर चलता है। जब वो मेरे माता पिता के कहने पर चल रही है तो मैं वो एक कितनी सुंदर बात कही कि आप मकान कैसा भी बना लो, मकान कैसा भी बना लो, मकान का नक्शा किसी से भी बनवा लो, मकान का वास्तु किसी को भी बताओ, मकान का वास्तु पूजन किसी से भी कराओ, मकान की पूजन किसी से भी कराओ, उससे मकान में कभी आनंद नहीं आएगा। मकान में बस दो चीजों का होना जरूरी है, मकान बने तब दो अच्छे मिल जाएं तो जिंदगी सवर जाती है, एक मकान बनाने वाला मिस्त्री और दूसरा घर में रहने वाली स्त्री, अगर ये सही हो गए तो मकान सही हो गया। दो चीजें अगर सही है, वास्तु वाले ने वास्तु बता दिया, नक्शे वाले ने नक्शा बना दिया, पूजन कराने वाले ने पूजन करा दिया, गार्डन लगाने वाले ने गार्डन बना दिया, इंटीरियर डेकोरेशन वाले ने डेकोरेशन कर दिया, पर मालूम पड़े मिस्त्री ने ही ऊबड़ खाबड़ बना दिया तो इंटीरियर वाला क्या करेगा, और मालूम पड़े मिस्त्री ने ही मालूम पड़े छत की ढाल सही नहीं दी और पानी अंदर भरा गया तो फिर मकान का क्या मतलब है। बाथरूम बनाई उसका पूरा पानी कमरे में आ रहा है तो मकान का मतलब क्या हुआ। नक्शे वाले ने नक्शा बनाया, वास्तु वाले ने वास्तु बनाया, पूजन वाले ने पूजन कराया, इंटीरियर वाले ने इंटीरियर करा, पर मिस्त्री और जमके बोलो, अरे छत्तीसगढ़ वाले इतने धीमे कभी नहीं बोले, मिस्त्री और स्त्री, अगर ये तो गड़बड़ है तो तुम्हारे मकान बनाने का किसी को भी वास्तु दिखाया, तुम कितने भी वास्तु शास्त्री को अपने घर में बुला लो, वो कह देगा यहां से सीढ़ी तोड़वाओ, यहां बनवा रसोई घर, इधर बनवा बाथरूम, इधर बनवा, कितनी वास्तु बदल लो पर दो अच्छे होना चाहिए। जम के बोलो जरा, मिस्त्री और स्त्री, मिस्त्री भी गड़बड़ निकल जाएगा चल जाएगा पर एक चंद्र घंटा कुष्मांडा स्कंदा अगर अच्छी निकल जाए तो टपरे में भी रह लेती है, और अगर चंद्र घंटा गड़बड़ निकल जाए तो टपरे भी बिकवा देती है। स्त्री और मिस्त्री, अगर स्त्री अच्छी है ना, आपके कहने अनुसार चलती है, आपके बताए अनुसार, और भले नहीं चले आपके कहने अनुसार पर आपके घर में रहे तो प्रेम से रहे, जब आप पहुंचो घर उसके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, जब आप घर पहुंचो उसके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, जब आप घर पहुंचो पानी का गिलास आपको दे दे, आप घर पहुंचो बना हुआ भोजन आपको मिल जाए, आप घर पहुंचो आपके बच्चों को संभाल रही हो, माता पिता को संभाल रही हो, आपके घर में पहुंचने का मन करे। दुकान ऐसी होना चाहिए जिसमें जाने का मन करे, मकान ऐसा होना चाहिए जिसमें जाने का मन करे, अगर मकान में और दुकान में जाने का मन नहीं करता तो वो दुकान मकान किसी काम का नहीं होता। मन लगना चाहिए, मैं जिस व्यापार को कर रहा हूं उस व्यापार में मेरा मन लगे, मैं कपड़े की दुकान खोलकर बैठा हूं कपड़ा बेचने में मेरा मन लगे, मैं किराने की दुकान पर बैठा हूं किराना बेचने में मेरा मन लगे, मैं कोई वस्तु की दुकान मेडिकल लेकर बैठा हूं तो दवाई में मेरा मन लगे, उसी तरह घर में आप आधे घंटा एक घंटा दो घंटा पांच घंटा दो दिन तीन दिन चार दिन पांच दिन गए, आपका मन घर में रमना चाहिए तो ठीक है। स्त्री और मिस्त्री ये दो ठीक है तो आपका घर भी ठीक है। आपका स्वरूप का एक आनंद भी ठीक है। बनाओ आप मकान का नक्शा, किसी से बनवाना हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं,
वास्तु जिसको दिखाना है दिखाइए, मना नहीं है। पूजन जिससे कराना है कराइए, मना नहीं है। इंटीरियर जिससे कराना है कराइए, पर दो चीजों का स्मरण रखिएगा, मिस्त्री और स्त्री का स्मरण करिएगा। भगवान की भक्ति, भजन, कीर्तन, स्मरण। स्वयं द्रौपदी से सत्यभामा जी ने पूछा कि तू ये बता कि तेरे पांच पति तेरे कहने पर चलते हैं। जो माताएं दूसरे दूसरों के पास जाकर कहती हैं बाबा जी ऐसा बता दो कि हमारा पति हमारे अनुकूल चले, उन माताओं से निवेदन है कहीं मत जाना। तुम अपने घर में बुजुर्गों का आदर करना चालू कर दो, तुम अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करना चालू कर दो, तुम अपने घर में माता पिता का आदर करना चालू कर दो, तुम्हारा पति तुम्हारे कहने पर चलना प्रारंभ कर देगा। तुम आदर करो, तुम सम्मान करो, तुम सत्कार करो, तुम अगर किसी को अगर सम्मान दे रहे हो तो तुम्हें सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा, तुम आदर कर रहे हो तो तुम्हें आदर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर हम यहां से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो लोग पलट कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं। हम यहां से बोलते हैं बोलबम का नारा है, आप पलट कर बोलते हो बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल। सावन के महीने में दो लोटा जल। अब ये आप पलट कर दे रहे हो, हमको हम आपको कह रहे हैं तो आप पलट कर जवाब दे। या आपके भीतर भाव जागृत है, महाराज आपके भीतर जब मिलन की आस, परमात्मा के दर्शन की आस प्रबल होती है तब परमात्मा को खुद दर्शन देने आना पड़ता है। स्वयं एक भक्त की कथा बड़ी विचित्र है, जिसका नाम था नंदनार। ये नंदनार तमिलनाडु में रहता था। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में नंदनार रहा करता था। शिव का भक्त था। जरूरी नहीं कि शंकर का भक्त होगा तो बहुत पैसे वाला होगा या बहुत धनपति होगा या बहुत देवपति होगा। जिसके पास में भजन की दौलत होती है, जिसके पास में शिव नाम की दौलत होती है, जिसके घर में लोटा पानी चढ़ाने का, जिसके घर में एक लोटा जल चढ़ाने का है, जिसके घर में शंकर जी को चढ़ाने के लिए जल है, समझ लेना कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास में है, फिर तुम कभी खाली नहीं हो। जिसके घर में तिजोरियां भरी हो, जिसके घर में अलमारियां भरी हो, जिसके घर में वस्त्र भरा हुआ हो, जिसके घर में अनाज भरा हुआ हो, और उसके घर का एक व्यक्ति भी अगर शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी नहीं चढ़ा सकता, समझ लेना कि ये पूर्व का आज काट रहा है, पर जब दूसरी बार इसका जन्म होगा तो ये दरवाजे पर किसी के भिक्षा मांगता हुआ खड़ा होगा, पर ये भगवत भजन में कहीं नहीं रम पाए। अब अगर आपके घर में एक तांबे का लोटा, एक साधारण सा पात्र है शिव को जल चढ़ाने के लिए, एक लोटा जल आपके पास में शंकर को जल चढ़ाने के लिए, जरा विचार करिएगा। लंकाधिपति रावण को जब विद्वत्ता के अनुसार लंकापति रावण को यह ज्ञात हुआ कि मेरे महादेव ने मंथन का विष पिया है, मंथन का विष पिया, शंकर जी ने विष पिया चल गया, शंकर भगवान ने विष धारण किया चल गया, पर शंकर भगवान ने विष पीने के पहले जब विष का कटोरा उनके पास में आया, वो विष का कटोरा जब शिव जी के पास में आया, तब उस समय पर विष की गंध शंकर भगवान की नासिका से उनके शरीर में प्रवेश कर गई। वो ऐसा विक्स का एक ऐसा वो होता है, उसको नाक में ऐसे डालो तो खींचते हैं सर्दी होने पर, क्या बोलते हैं वो तो तुम्हें मालूम है, ठीक है। बाम की डब्बी होती है, विक्स की डब्बी होती है, किसी किसी की आदत होती है, शाम को सोने से पहले वो थोड़ा थोड़ा नाकों में सूंघ लेते हैं, भेजे में वो चला जाता है सूंघने पर। चलो ये भी जाने दो,
एक नया तरह का नशा, ट्रेन में जो लोग अपना कपड़ा उतार कर पोछा लगाते हैं वो जरा जरा से लड़के बच्चे ट्रेन के अंदर, तुम्हें कितनी दया आती है कि ये ट्रेन में पोछा लगा रहा है, ये ट्रेन में अपना कपड़ा उतार कर हमारे कक्ष को साफ कर रहा है, हमारी बर्थ को साफ कर रहा है, हमारे कोच को साफ कर रहा है। उस बच्चे को किसने कहा कि तू ट्रेन में पोछा लगा? उस बच्चे को किसने कहा कि तू ट्रेन में जाकर अपने कपड़े को उतार कर सफाई कर? प्रशासन कभी किसी को नहीं कहता कि तुम सफाई करो, उसने अपने सफाई कर्मी लगा कर रखे हुए हैं। पर वो बच्चा अपने कपड़े उतार कर सफाई इसलिए करता है, तुम एक दो रुपए दे दो, वो एक दो रुपए मिलेंगे, कहीं से नशे का सामान लाएगा, रुमाल में उसको डालेगा और सूंघेगा सूंघेगा सूंघेगा, और नशा कर 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 वो बच्चा एक दिन मर जाता है। और वो बच्चा जो मरता है, जो सूंघ सूंघ कर मर गया नशा कर कर, उसमें मरने में तुम्हारा भी एक रुपया लगा है, इसलिए तुम्हें भी उस पाप के भागीदार बनना पड़ता है और तुम्हें भोगना पड़ता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, बेटी गाय और लक्ष्मी 50 बार विचार करना कि कहां तुम दे रहे हो। बेटी को देने से पहले विचार करो कि बेटी किसको दे रहे हो, गौ माता को देने से पहले विचार करो कि गाय किसको दे रहे हो, और लक्ष्मी किसी भिखारी के कटोरे में पैसा डालने से पहले विचार करना कि कहीं मदिरा पान में तो नहीं लगाएगा, कहीं मांसाहार में तो नहीं लगाएगा, कहीं जुए में तो नहीं लगाएगा, कहीं गलत जगह पर तो नहीं लगाएगा, क्योंकि देने वाले को रोना पड़ता है। 50 बार विचार करो, उसके बाद विचार कर कर सोचना कि मैं दूं कि ना दूं। अब तुमने वो बच्चा जो था वो नशा काय से कर रहा था, सूंघने से, सूंघता था और वो नशे में धुत हो जाता। अब कौन सा नशा वो करता था कि सूंघ कर पूरा शरीर उसका बेकार हो जाता, शिथिल पड़ जाता, नशे में धुत हो जाता, संभाल नहीं पाता, चल नहीं पाता, बस शुद्ध में लगा रहता। उसी तरह लंकाधिपति रावण को यह ज्ञात हुआ, बहुत सुंदर संवाद है, जरा ध्यान दीजिएगा। लंकाधिपति रावण को यह मालूम पड़ा कि मेरे महादेव के सामने विष का कटोरा गया, विष का पात्र गया, और वो विष का पात्र पीने से पहले उनके नासिका से वो सुगंध उनके अंदर चली गई। डॉक्टर के पास जाकर कहना, डॉक्टर साहब मेरा पेट बहुत दुख रहा है। डॉक्टर एक गोली देगा, केवल एक गोली दे देगा कि डॉक्टर जम के बोलो, जरा जितने बैठे हो, 1 2 3 4 जितने पंडाल में बैठे हो सब जम के बोलो, दे देगा नहीं देगा? पेट भी दुख रहा है तो डॉक्टर 2 या 3 तरह की गोली देगा, सिर भी दुख रहा है तो डॉक्टर 2 या 3 तरह की गोली देगा, हाथ भी दुख रहा है डॉक्टर 2 या 3 तरह की गोली देगा, पीठ में दर्द है 2-3 तरह की गोली देगा, घुटने में दर्द है 2-3 तरह की गोली देगा। अब तुम डॉक्टर से कहते हो, डॉक्टर साहब ये बात तो गलत है, हमारा तो केवल पेट दुख रहा है, और तुमने 3-4 तरह की गोली दे दी, एक दे दो ना डॉक्टर के, नहीं नहीं तुमको 2-3 तरह की, ये तुम समझ नहीं पाते, ये जो तुम गोली खाओगे लाल वाली, ये गोली खाओगे तो इसका साइड इफेक्ट नहीं हो, इसलिए तुमको ये वाली गोली पीली वाली दी, पीली वाली गोली खाओगे तो तुमको ये साइड इफेक्ट ना कर जाए, इसलिए तुमको ये हरी वाली गोली दी। एक गोली के साइड इफेक्ट को हटाने के लिए दूसरी दी जाती, दूसरी के साइड इफेक्ट को हटाने के लिए तीसरी दी जाती है। उसी तरह लंकाधिपति रावण ने सोचा कि भगवान देवाधिदेव महादेव विष तो पी गए, पर महादेव ने जो विष का कटोरा सामने आया और उसकी गंध जो इनके शरीर में चली गई, उस साइड इफेक्ट को हटाया कैसे जा सकता है? तब लंकाधिपति रावण ने देव ऋषि नारद को बुलाया, देव ऋषि नारद से कहा, यह आनंद रामायण का बड़ा सुंदर संवाद है, जरा ध्यान रखिएगा। देव ऋषि नारद को बुलाया और देव ऋषि नारद को बुलाकर कहा, नारद बताओ महादेव की भक्ति में कुछ तो कमी रह गई है, महादेव भले विष पी लिए नीलकंठ धारी बन गए पर उनको जो विष की गंध है वो उनके शरीर में पहुंच गई है, मेरे बाबा के अंदर पहुंची हुई वो गंध कैसे समाप्त हो सकती है? जब उनके अंदर की गंध समाप्त हो जाएगी तो मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी भी सवर जाएगी, मैं सोने की नगरी में जाकर बैठ जाऊंगा। तुम बताओ क्या करूं मैं? नारद जी ने कहा, यह मैं नहीं बता सकता। नारद जी ने कहा, मेरे मित्र तुम रुका जी के पास जाओ। तुम रुका जी के पास देव ऋषि नारद ने भेज दिया। लंकाधिपति रावण तुम जी का भजन करने लगे, तुम रुका जी का स्मरण करने लगे। शंकर का कोई उपासक
शंकर का कोई भक्त, शंकर की चर्चा करने वाला, शिव की भक्ति में जनता को, जनमानस को, भक्तों को डुबोने वाला, शिव के स्मरण में रमने वाला, शंकर के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाने वाला, इसका केवल एक सानिध्य मिल जाए, इसका केवल एक दर्शन भी हो जाए, तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो गई, तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। आज लंकाधिपति रावण तुमरुका जी का दर्शन करे हैं। लंकाधिपति रावण ने तुमरुका जी से पूछा कि बताओ, शंकर जी के शरीर में जो विष सूंघा गया, जो विष पीने के लिए आया, तो उसकी गंध जो शरीर में आ गई, उसकी तरंग वो कैसे समाप्त हो? तुमरुका जी ने कहा, रावण दशानन दस ग्रीवा, सुनो, श्रावण का महीना हो, भूलवश दो हाथ में अगर गंगा जल हो, शिव को समर्पित हो। शंकर के सुगंध विष की जो गंध अंदर गई है वो समाप्त होती है, जैसे जैसे वो गंध समाप्त होती है वैसे वैसे जल चढ़ाने वाला जीवन में निहाल होता चले जाता है, उसके जीवन में वैभोर सत्ता बढ़ती चली जाती है, वैभोर सत्ता। हंसते हैं लोग कावड़ यात्रियों को देखकर, हंसते हैं लोग कावड़ियाओं को देखकर, लोग हंसी कर करके अपने अपने फेसबुक आईडी पर, अपने अपने यूट्यूब पर, अपने अपने मोबाइल पर, इंस्टाग्राम पर ये कावड़ियों को देखकर हंसकर इनका वीडियो बना बना कर डालते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये नहीं है, ये वो नहीं है। दुनिया के लोग ताना देने वाले, अपशब्द कहने वाले कई तरह के लोग हैं जो सनातन धर्म पर उंगली उठाते रहते हैं 24 घंटे बैठकर। कई लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म पर केवल आक्षेप लगाते रहते हैं 24 घंटा, उनके पास कोई काम नहीं रहता। क्या होता है कांवड़ चलाने से? इससे तो घर में बैठे रहो, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना चाहिए, स्कूल का बैग उठा लेना चाहिए। कहाँ कांवड़ उठा उठा कर जा रहे, कौन ने कहा तुमको कांवड़ उठाने के लिए? ये दुनिया के लोग हैं जो ताना दिए बिगर नहीं रह सकते। उनको जवाब है तुमरुका जी का, उनको जवाब है देवऋषि नारद का, उनको जवाब है लंकाधिपति रावण का। कि कांवड़ चलने वाला व्यक्ति, हाथ में जल का पात्र लेकर चलने वाला, कंधे पर रखकर कांवड़ लेकर जाने वाला, जितने कदम चलकर जाता है उतनी जिंदगी की उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ जाता है, उसे पीछे पलटकर नहीं देखना पड़ता। यह रावण की कथा कह रही है, यह आनंद रामायण कह रही है, यह भगवत भजन कह रहा है। हंसेंगे दुनिया के लिए, ये आप कथा में आए हो ना, कहीं तिलदा नेवरा में पहुंचे हो तो लोग हंसेंगे। अभी रायपुर में सुन ली तुमने, भिलाई में सुन ली तुमने, और कहां सुन ली थी, सुहेला सुन ली तुमने, भाटा पारा सुन ली तुमने, इतनी सारी सुनने के बाद आखिर छत्तीसगढ़ वालों को हो क्या गया, इनको कौन सा बुखार लग गया, ये फिर इतने आ गए। ये सब अपने घर से क्या फ्री हैं? लोगों को बड़ी चिंता, बड़ा टेंशन रहता है, क्या ये हो क्या रहा है, आखिर समझ में नहीं आता। अब ये घनश्याम जी अग्रवाल जी ने ग्राउंड भी बड़ा करा, ऐसा नहीं है, इन्हें भी सोच समझ के कि तुम आओगे हो, पर जितनी भी सोच जहाँ जहाँ कथा बाबा की होती है और भोलेनाथ जी की जो कथा होती है, लोग अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, बड़े से बड़ा पंडाल लगाते हैं, बड़े से बड़ा ग्राउंड ढूंढते हैं, पर उनको बताएं कि क्या बताएं, वो कहते हैं गुरुजी हमने तो सबसे बड़ा ग्राउंड करा था, अब हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा तुम कुछ नहीं करते, बाबा का काम ही ऐसा है, जैसे एक मुट्ठी चावल कुकर में रख दो बनने के लिए, वो पूरा कुकर भर देते हैं, उसी तरह ये शिव पुराण भी ऐसी है, इसके लिए जितनी जगह ढूंढो ये चावल की तरह फैल जाती है। ये है ही ऐसा, उसके भक्त
उसके भजन करने वाले, उसके स्मरण करने वाले, उसका कीर्तन करने वाले, उसका मंत्र जाप करने वाले और उसके सहारे जीने वाले, वो साधारण नहीं होते। लंकाधिपति रावण ने कहा कि मेरे प्रभु के ये विष की जो गंध उनके शरीर में चली गई, वो गंध कैसे समाप्त हो, वो कैसे उनके अंदर वो समाप्ति का हो। तो कह दिया, सावन का महीना हो, हाथ में गंगा जल भरा हो, रावण रावण लंकेश दशानंद दशग्रीवा जाकर शिव को चलाया जाए, शंकर को। हाँ, शिव को चलाया जाए। कावड़ का एक नियम रहा है, आप लोगों के स्मरण में होगा, जितने भारत के भूमि के विश्व के लोग जितनी कथा कावड़ शिव महापुराण की कथा तिल्दा नेवरा में चल रही है, इसमें हम सुनेंगे कि कावड़ का नियम क्या होता है, कावड़ का जल किस जगह पर रख दिया जाए लाकर थोड़ा सा, कि जीवन में कभी संपदा की कमी ना हो जिंदगी। कावड़ का एक नियम होता है कि कावड़ को ये कंधे से ये कंधे पर रखना है तो सिर के ऊपर से कभी नहीं लिया जाता, कावड़ का एक नियम। कावड़ को इस कंधे से इस कंधे पर लाना है तो सामने से लाया जाता है, पीछे से लाया जाता है, पर सिर पर से बार कर उसको वापस नहीं लाते, सिर पर से बार कर। कावड़ का एक नियम होता है, जिस नारी का, जिस व्यक्ति की संतान नहीं होती है, उसको कावड़ यात्रा करने से पहले अपनी गोदी में धान चावल को भरना पड़ता है, गोदी में उसको, जब तक महादेव के दरवाजे तक नहीं चली जाती जब तक उसकी गोदी में वो धान चलते चलते उसकी झोली में वो हिलता रहता है, कावड़ का जल उसके कंधे पर रहता है। और जब वो कावड़, जिसकी औलाद नहीं संतान नहीं, जब वो कावड़ का जल महादेव को चढ़ाती है तो पहले जल समर्पित करने के बाद फिर चावल के दाने बाबा के उस शिवलिंग पर समर्पित करती है कि बाबा मेरी गोदी में तू यहाँ तक लेकर आया है, ये गोदी खाली मत छोड़ना, मेरी गोदी भर देना भले 25 साल हो गए। कावड़ यात्रा का नियम है, सिर पे से बार कर वापिस नहीं आती, सम्मुख से कावड़ निकल जाती। लंकाधिपति रावण को सुध पड़ी, जब तुमरुका जी ने कहा जाओ लंकेश अगर तुम चाहते हो कि शंकर के शरीर में गंध पहुंची है, उस विष की गंध को समाप्त करना है तो तुम जाकर महादेव को जल अर्पित करो सावन के महीने में, उसी को हमारे यहां कावड़ कहा गया। अविश्वास, भरोसा, दृढ़ता, शिव के प्रति जागृत कर चलते हैं, जब शंकर के प्रति जब हमारी जागृतता होती है, शिव के प्रति जब हमारा एक विश्वास दृढ़ होकर हम चलते हैं तो शिव हमें क्यों ना मिलेगा, क्यों ना मिलेगा। महाराज, हम तो बाबा के भरोसे। एक बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करता है, हमने पहले भी कथा में कहा, रायपुर की कथा में भी कहा और भाटापारा में भी कहा था, विषम परिस्थिति में किसी के हाथ जोड़ने से अच्छा है, किसी के पास जाकर बैठकर रोने से अच्छा है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल धीरे धीरे एक बेलपत्री समर्पित कर, बेलपत्री की जो डंडी है बस शिवलिंग पर ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग, ये बेलपत्री, ये दंडी का जो मुख है वो अशुक सुंदरी की ओर समर्पित कर एक लोटा जल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धार में अपने हृदय की बात बाबा से दिल से कहते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्टमय जीवन, बाबा बहुत तकलीफ में जीवन चल रहा है और तू ना संभालेगा तो संभालेगा कौन, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधुश्च सखा, सब कुछ तो तुमको मान लिया। जब से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं तब से मैंने किसी को नहीं केवल आपको पिता माना है, आपको भाई माना है, आपको सखा माना है, आपको अपना माना, आपको दादा माना,
आपको मैंने नाना, आप ही तो हैं जो संभाल सकते हैं। शिव बाबा से एक लोटा जल अगर समर्पित कर रहे हैं धीरे धीरे, कभी तुम्हारे चित्त में ऐसा आए कि मुझे बहुत टेंशन चल रहा है और मेरा जीवन ठीक नहीं चल रहा, हम कहेंगे। आज के जमाने में लोग हताश हो जाते हैं तो सोचते हैं कि सुसाइड कर लूं, मर जाऊं। हम उनसे इतना सा कहना चाहेंगे कि मरने का प्लान फिर बाद में कर लेना। हम तुमको मना नहीं करेंगे कि तुम मरने का प्लान मत बनाओ, तुम्हारा मन हो तुम बाद में प्लान बनाना, एक बार विचार कर लेना कि अभी नहीं मरूंगा, अभी मैंने कथा सुनी है और सुना है एक लोटे जल का महत्व क्या है। कर्जा हो गया ना चुक जाएगा, दुख आ गया ना कट जाएगा। कर्जा भी हो गया तो कटेगा मिटेगा, मरना उसका कोई एक प्लान नहीं है कि कर्जा तुम मर जाओगे तो कर्जा तुम्हारा चुक जाएगा, ना 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 ना, कर्जा हो गया ना चुकाएगा बाबा। तुम्हारा विश्वास दृढ़ रखो, अपने भजन के बल को बढ़ाओ, शिव मंदिर में जाने का समय का आनंद पाओ, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाओ तो दिल से चढ़ाओ, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जो जप रहे हो उसको दिल से जपो, भगवान की भक्ति दिल से करो। आया हुआ समय आया हुआ दुख कटेगा, थोड़ा समय लगेगा, धीरे 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 वो कट जाएगा। वो बर्तन होता है ना बहुत काला हो जाता है तो उसको माताएं रगड़ती है, वो साफ नहीं होता तो फिर क्या करते हैं उस बर्तन को, अगर बर्तन साफ नहीं होना तो फिर उसको क्या करते हैं, उसमें छाछ भर देती है, दही भर देती है, नींबू लगाकर छोड़ देती है, खट्टी चीज से वो साफ हो जाएगा। तो थोड़ा अगर समय लग रहा है और लगे कि तुमको कि ये ठीक नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि भगवान ने भी कोई छाछ भर दी होगी, भगवान सुन क्यों नहीं रहा, भगवान ने भी कोई दही भर दिया होगा, ये समर क्यों नहीं रहा, ये ठीक समय आ क्यों नहीं रहा, आएगा। थोड़ा बाबा पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, सारी समस्या का हल एक लोटा आप बाबा को समर्पित करो। बोल बम का नारा है बाबा एक, उसके सहारे जियो ना, हम क्यों संसार वालों के सहारे जियो। एक तमिलनाडु में नंदनार नाम का एक मजदूर रहता था जिसको बधुआ मजदूर कहते हैं। बधुआ मजदूर मतलब किसी के यहां, किसी सेठ के यहां, किसी धनपति के यहां किसी को बेच दिया जाता है, ये आज से तुम्हारा नौकर है। नंदनार को उसके घर वालों ने उसको दे दिया, सेठ जी ये तुम्हारा, अब तुम जानो, पैसे ले लिए। नंदनार उनके यहाँ काम करने लगा, नंदनार खेती का काम करता, मजदूरी करता, बहुत दिन भर उससे काम करवाते, पैसा में खरीदा है तो फिर तो काम करवाएंगे, इसीलिए तो हम आप लोगों से कहते हैं लड़का लड़की की शादी करो तो पैसे से मत करो कि साहब हमने 10 लाख रुपए लूंगा, एक गाड़ी फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन सब देना पड़ेगा तब मैं लड़के की शादी तुम्हारे यहाँ करूंगा। मतलब तुम लड़के को बेच दिए हो, अब लड़के को तुमने अगर ससुराल वाले को बेच दिया है तो ससुराल वाले, अब तुम ये मत कहना कि तुम्हारा छोरा है तुम्हारा बेटा है, तुमने एक गाड़ी एक फ्रिज एक वॉशिंग मशीन एक इतना सोना चेन अंगूठी मोबाइल पर्स, इसके चक्कर में तुमने अपने लड़के को लड़की वालों को दे दिया, अब तुम ये छोड़ दो कि लड़का तुम्हारा है, अब वो तुमको पापा जी भले कह ले पर तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, सम्मान वो अपने ससुर का करेगा, क्योंकि 10 लाख की गाड़ी एक फ्रिज एक वॉशिंग मशीन एक दो जोड़ कपड़े में तुमने बेच दिया, अब बेच दिया तो वो आदर उनका करेगा, आपको बोलेगा पापा, उनको बोलेगा पापा जी, आपको बोलेगा मम्मी, उनको बोलेगा मम्मी जी, बोलना पड़ेगा क्योंकि जगदम्बा वहीं खड़ी है, नहीं बोलेगा तो ये चंद्र घंटा घंटा बजा देगी, बोलना पड़ेगा, खरीदा है। घर में बहू लेकर आना, कार वाली कभी मत लाना, संस्कार वाली लेकर आ जाना, कार वाली बहू मत लाना बाबा, संस्कार वाली लेकर आना। जब संस्कार वाली बहू हमारे घर में प्रवेश करती है तो वो हमारे जीवन को सार्थक करती है। विद्वत ब्राह्मण जन, भूदेवता पृथ्वी के देव,
ब्राह्मण जन जब किसी लड़का और लड़की की पत्रिका मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, तो वह यही देखते हैं कि संस्कारवान बन लड़की इनके घर में प्रवेश करे। भूदेव यही चाहते, ब्राह्मण यही पूजन पाठ के माध्यम से आपको वर प्रदान करते हैं। ब्राह्मण देवता आपको ये वर देने का प्रयास करते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि, सुख शांति, वैभव, प्रतिष्ठा सब बनी रहे। ये भूदेव का एक आनंद है, ये ब्राह्मण देव का एक आनंद है। अब नंदनार काम कर रहे हैं, पर नंदनार के हृदय में एक बड़ा बड़ा भाव था। नंदनार जिस सेठ जी के यहां काम करते थे, उस गांव से 25 किलोमीटर दूर तिरुपुंगुर नाम का एक शिव मंदिर है तमिलनाडु में। तिरुपुंगुर 25 किलोमीटर दूर था वो मंदिर। नंदनार शिव की भक्ति में रमे रहते थे, खेती करते, काम करते, डलिया धोते। सेठ भी ऐसा कि 24 घंटे में से केवल 4 घंटा उसको आराम करने देता, बाकी का 20 घंटा उसको रधेड़े रखता, काम करवाता रहता। वो भी बेचारा मजदूर था, बधुआ था, बंधा हुआ था, करता। निवेदन आप सबसे, धन से किसी को बांधने का प्रयास मत करो। धन और भय से कभी मत बांधना। आज तक इस शिव महापुराण की कथा में आपको कभी भय नहीं बताया कि तुम अगर शंकर जी को जल नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम अगर शंकर जी का व्रत छोड़ दोगे तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम अगर शंकर जी के साथ ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि शिव महापुराण में कहीं भय लिखा ही नहीं है। ये तो दुनिया के लोगों ने शंकर भगवान को भय बना दिया, शिव जी क्रोध के देवता हैं, रुद्र देवता हैं, गलत करोगे गुस्सा करेंगे, गलत करोगे ऐसा हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को पशुपतिनाथ कहते हैं। पशुपतिनाथ मतलब पशुओं का भी वो देवता है, साधारण सा नहीं, वो भोला है। उसको क्रोध तो केवल तब आता है जब उसके भक्तों पर विपदा आती है, और वो विपदा कटती नहीं तब मेरे महादेव को क्रोध आता है। हर कभी शिव जी को क्रोध नहीं आता, हर कभी शंकर भगवान को क्रोध नहीं आता। घर में रहने वाली माँ को हर कभी क्रोध थोड़ी ना आता है, घर में रहने वाली स्त्री को, घर में रहने वाली बहू को हर कभी क्रोध नहीं आता। जब देवरानी जेठानी में क्रोध कब आएगा? देवरानी जेठानी के झगड़ा होगा तो गुस्सा नहीं आएगी, पति की बात होगी तो झगड़ा नहीं, क्रोध नहीं आएगा। देवरानी जेठानी में लड़ाई होती है केवल औलाद के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में। जब अपने पुत्र की बारी आती है और बच्चे के साथ अगर कोई बात हो, अगर जेठानी ने डांट दिया, देवरानी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, मोहल्ले के लोगों ने कुछ कह दिया, बच्चों के चक्कर में जब घर की बहू, घर की दादी, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा अपने बच्चों के चक्कर में क्रोध कर सकता है, तो मेरा महादेव भी अपने भक्तों के चक्कर में क्रोध कर जाता है जब उसके बच्चों को चोट पहुंचे, उसके हृदय को चोट पहुंचे। जब हृदय में यह विचार, अब कई लोग कह देते हैं भगवान बड़े गुस्सेले हैं शंकर भगवान का, कई माताएं कहती है हमने सोमवार का व्रत करा था गुरुजी, अगर हम छोड़ देंगे तो भगवान गुस्सा तो नहीं होंगे। हमने कहा कौन सी पुराण में लिखा है वो भी तो बताओ कि भगवान को गुस्सा आया इन्हें व्रत छोड़ा तो। ना ना ना, मेरा महादेव क्रोध नहीं करता, अनायास हर किसी पर क्रोध नहीं करता। मेरे बाबा तो इतने सरल हैं, इतने सरल हैं कि एक चोर चोरी करने ऊपर चढ़ा, उसके पास में कुर्सी नहीं थी, स्टूल नहीं था, निसेनी नहीं थी, शिवजी पे चढ़ गया, सामान जलाधारी चांदी की निकालने लगा। महादेव खुश हो गए, मांग ले तुझे क्या चाहिए, वो चक्कर खा के नीचे गिर गया, मैं तो चोटा चोर। आज तक आप प्रसन्न नहीं हुए भोलेनाथ, और आज कैसे प्रसन्न हो गए? शिवजी कहते हैं लोग जल चढ़ाते, धतूरा चढ़ाते, बेलपत्री चढ़ाते, तो पूरा ही चढ़ गया। मैं प्रसन्न ना हूं तो क्या करूं, कितनी कृपा, उसकी दया, उसकी करुणा कितनी विचित्र हो जाता है कभी कभी, ऐसा भाव प्रकट हो जाता है कभी कभी। वो करुणा ना करेगा तो कौन करेगा? वो करुणा ना करे, वो कृपा ना करे तो कौन कृपा करे?
तो वो एक एक लाइन गुनगुनाते ना, ओ पालन हारे निर्गुण हरे तेरे बिना हमारा कोई नहीं, ओ पालन हारे निर्गुण हरे तुमरे बिना मेरा कोनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिना हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिना हमरा कोनो तुमरे बिना हमरा कोन नहीं, ओ पालन हारे निर्गुण नारे तुमरे बिना हमरा कोन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिना हमरा कौन है तेरे सिवा, लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू। एक पत्र आया है देखिए, बड़ा भाव से किसी ने लिखा, बड़ा भाव। मेरा नाम पूर्णिमा साहू है, मेरे पति का नाम लक्ष्मण साहू है, मैं बिलासपुर सिरगिट्टी आवास पारा की रहने वाली हूँ, वार्ड क्रमांक 10, मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं बैठी हो, नाम पूर्णिमा साहू, मेरे पति का नाम लक्ष्मण साहू, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, जहाँ कहीं भी बैठी हो, इधर बैठी हैं, हाँ जी हाथ हिला दो एक बार दीदी, हाँ दोनों हाथ हिलाओ ऐसा, ठीक है ठीक है। एक लोटे जल का बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूं, आप लोग अपना पत्र जो पढ़ सकते हैं वो आस्था चैनल पर टीवी पर भी पढ़ सकते हैं। बाबा वर्णन करूं, बाबा ने तो इतना दे दिया कि मैं बोलूं, मेरे शरीर में बहुत सारी परेशानी होती थी, बच्चेदानी में सूजन, बच्चेदानी के अंदर छाले पड़ गए, पथरी हो गई और बड़ी परेशानियाँ हो गई, गांठ जैसा भाव हो गया, मेरा बीपी हमेशा लो ही रहता था और मुझे सांस लेने में भी परेशानी होती थी, खांसती थी तो मेरे मुंह में से खून निकलता था, जब खांसने में मुंह से खून निकलने लगा तो हमने बड़े बड़े डॉक्टरों में दिखाना चालू करा, डॉक्टरों को दिखाते और मालूम पड़ा कि टीवी की बीमारी बता दी, गुरुदेव बड़ी तकलीफ में आ गई। मेरी मम्मी ने बोला कि तुम शंकर की कथा सुना करो, टीवी पर आती है शिव महापुराण की, सीवर वाला महाराज वाजता कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो भी जाँच कराओ, बाबा का नाम लेते जाना, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना और जांच कराते रहना, दवाई लेते रहना, सीवर वाला महाराज बोलता है दवाई भी खाओ और बाबा पर भरोसा रखो, बाबा पर भरोसा रखते हुए अचानक फिर तकलीफ बढ़ गई, सीने में दर्द बढ़ गया और फिर एक्सरे चालू हुए, वापिस फिर दिखाया तो उसमें टीवी बताई, गुरुदेव सब घबरा गए। तब मेरी माता ने कहा एक काम करो, शिवजी पर चढ़ा हुआ जल पीना चालू करो, एक बेलपत्र खाना चालू करो, मेरे घर के लोग जाते जल चढ़ाते, पानी लाकर मुझे देते, पीना चालू करा, बाबा की कृपा से हमने बड़े हॉस्पिटल में रायपुर में फिर दिखाया, ऐसी कृपा बाबा ने करी, दो हॉस्पिटल की रिपोर्ट आपको लगाई जिसमें टीवी बताया गया है, अगली रिपोर्ट जब आई तो मेरी टीवी का रोग समाप्त हो गया था और मैं ठीक हो गई, इसलिए बाबा को नमन कर लिया। आप ठीक हैं बाबू, एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर शिव तत्व। एक पत्र बड़ा सुंदर आया है, जयंती जनसेना, जयंती जनसेना राजगढ़ छत्तीसगढ़ से, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आई हूं, कहीं बैठी हो, मेरी जेठानी की बहू की शादी को 9 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी, बहुत इलाज कराया, गुरुदेव कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, जहाँ कहीं भी बैठी हूँ, इधर है क्या, अच्छा है, हाथ हिला दो एक बार, हाँ हिलाओ इसे जी।
बहू की शादी को 9 साल हो गए थे, कोई संतान का सुख नहीं था, सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, डॉक्टरों ने कहा था इनके संतान का सुख नहीं रहेगा। बाबा की कृपा से शिव महापुराण कथा सुनना चालू करी। आपने कथा में सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था गुरुदेव, वो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करवाया, बहू की कमर में वो सफ़ेद आंकड़े की जड़ बनवाई और बाबा देवाधीरे महादेव का कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाती, उस जल का आचमन कर दी। 2 महीने बीते, बाबा की कृपा से उसका गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ है, इसलिए हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने आए। पुत्र आया है क्या साथ में, बचला है, लाए हैं क्या, नहीं लाए, ठीक है। हर हर महादेव। शिव कृपा इसी को कहते हैं, शिव की उदारता, शिव की करुणा, दया। आप एक विश्वास के साथ में, आप एक भरोसे के साथ में बाबा का भजन अगर कर रहे हैं, बाबा की भक्ति अगर कर रहे हैं, तो उसका सुख हमें मिलता जरूर। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली सब बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हो उठा लो, भूले अपने दर से अब तू न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। 24 घंटे में केवल 4 घंटे सेठ उसको छोड़ता था विश्राम के लिए और नंदनार 20 घंटा काम करता था। बिको किसी सेठ के पास जाकर, किसी के पास जाकर मत बिको, बिकना ही है तो मेरे भोलेनाथ के प्यार में बिक जाओ तो जिंदगी सवर जाए तुम्हारा जीवन सवर। हम कहाँ क्या क्या विचार करें। मेरा फिर निवेदन है बेटा बेटियों से, बेटे की शादी करो तो कोई धन की मांग नहीं, बेटी का विवाह करो तो ये विचार करना, ये मत देखना पेट्रोल पंप कितने हैं, गाड़ियां कितनी है, धन कितना है, बंगला कितना बड़ा है, सत्ता कितनी है, पहचान किस किस से है। दुख की घड़ी आती है, कोई पहचान वाला काम नहीं आता है। जितनों के भी आगे पीछे घूमते हो ना, एक बार उनको कुर्सी मिल जाती है ना, तुम्हें कोई नहीं पूछता, फालतू की बात है। हमारी थोड़ी कहने की आदत, लोगों को थोड़ा बुरा लग जाता है, फिर वो लोग बाद में उस बात का बखाड़ा खड़ा कर देते हैं, पर ईमानदारी की बात कहेंगे ना। घोड़े के पीछे और बोल दें, बोलो छत्तीसगढ़ वाले बोल दें पक्का, घोड़े के पीछे और किसी सत्ताधारी वैभवपति धनपति पैसे वाले के आगे या पीछे कभी ना चलना। घोड़ा भी लात मार देता है और ये भी लात मार देते हैं। बहुत सोचिए, ये सांप अपना, बस एक बार अगर अपना काम बन गया ना, बस उसके बाद फिर गायब समाप्त। दामाद नया नया रहता है ना, जब तुम्हारे घर में शादी होती है, विवाह होता है, फंक्शन होता है, कार्यक्रम होता है, दामाद को बुलाते हो तो कितना आदर करते हो, कितना सम्मान करते हो, कितना सत्कार करते हो, कितना ना, कितना आदर, कितना सम्मान, कितना सत्कार। जब जब तुम्हारे घर में शादी होगी तब दामाद जी को कहाँ है मंडप लगाना है, दामाद कहाँ है ये काम करना है, दूल्हे को घोड़ी पे बिठाना है, दामाद कहाँ है
जब तुम्हारे घर में शादी होगी तब दामाद को लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकोड़ा सब कुछ खिलाया जाएगा, और जब जब हर 5 साल में वोटिंग होगी तब तब तुमको भी, क्योंकि तुम सब दामाद हो, सब सोचिए विचारिए अपनी चित्त वृत्ति में उतारिए। हमें अगर पकड़ना है तो बाबा का चरण पकड़ना है, हमें अगर पकड़ना है तो भगवान शिव की शरणागति पकड़ना है। हम अगर रो रहे हैं कोई आंसू पोछने वाला नहीं होगा। जितने शिव महापुराण क्या आप अपने लौकिक जीवन में देखिए, शादी आपके घर में होती है, दूल्हा घोड़ी पर बैठकर चलता है, जब दूल्हा घोड़ी पर चलता है तुम्हारी यहाँ खुशियां आती हैं, खूब धन खूब आनंद में, 10-10 का नोट उछालते हो, 20 का नोट फेंकते हो, 50 का नोट उठाकर फेंकते हो। जब तुम्हारे घर में शादी हो, फंक्शन हो, किटी पार्टी हो, कोई अच्छा कार्य हो, सारे घर के लोग आगे नाचते हैं, और जैसे ही घर में कोई मर गया उसको लेकर जाते हैं तो पूरे परिवार के लोग रिश्तेदार सब आरती के पीछे हो जाते हैं। शादी में दूल्हे के आगे, मरने पर आरती के पीछे। शिव पुराण कहती है सुख में सब आगे हैं, दुख आते से जैसे तुम्हारे ऊपर तकलीफ आई सारे के सारे पीछे भागे। अब तुम क्यों मामा जी 10 लाख रुपए की जरूरत है तुम कर सकते हो, मामा जी अरे बोलते जाओ पीछे, काका जी वो बेटा और बहू का झगड़ा हो गया, अदालत में बात चल रही है, काका जी तुमने ही शादी पक्की कराई थी, तुम जरा लड़की वालों से जाकर बोलो ना, इतना केस लगाया उन्होंने हम पर, दहेज का केस लगा दिया, सब थाने में बंद है, काका जी तुमने शादी कराई, तुम जाके बोलो ना लड़की वाले से, थोड़ा तो कह सकते हो ना, काका जी पीछे। जरा सी कोई घटना घट गई तुम एक एक को अजमा के देख लेना, एक एक को, यहां जितने बैठे हो ना और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक ग्रुप पर कथा सुन रहे हो, दुख की घड़ी में एक एक को अजमाना, मुझे 20 लाख दे दो, मुझे 15 लाख दे दो, मुझे 25 लाख दे दो, मुझे 10 लाख दे दो, दुख की घड़ी में अजमा कर देखना, एक भी नहीं आगे होगा, सब पीछे होंगे। दुख की घड़ी में केवल तुम्हारा एक साथ दे सकता है, तुमने जो एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया, एक बेलपत्र जो समर्पित करी वो तुम्हारा साथ दे सकता है, तुमने जो भगवान का भजन करा, जो तुमने राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जो तुमने लिया है भगवान का नाम वो तुम्हारा साथ दे सकता है, जो तुमने दान करा पूर्व में वो तुम्हारा साथ देगा, जो तुमने पुण्य करा पूर्व में वो तुम्हारा साथ देगा। मैं ये श्री घनश्याम लाल जी अग्रवाल जी के परिवार में जो कथा हो रही है मैं इनको धन्यवाद दूंगा, उसके साथ में इनके घर में होने वाली वो पोती को धन्यवाद दूंगा जिसके कारण ये कथा हो रही है। ये कथा नहीं होती अगर वो नहीं होती। क्या नाम है उसका, उस बेटी का नाम क्या है, प्रियंक, दीपिका, देविका, वो बेटी का भाव देखिए, शिव कथा उसी देवी का ने जो जन्म लिया है उस बेटी ने, बस हाँ यही इसी के जन्म लेने पर, इसी के जन्म लेने पर संकल्प लिया गया था अगर घर में बच्ची का जन्म होता है तो हम एक बार बाबा देव आदिदेव महादेव कृपा कर दे तो शिव महापुराण की कथा का ये शिव तत्व है, ये शंकर की उदारता, ये कोई तुम्हारे पूर्वजों में से कोई अच्छा जीव जिसने दान पुण्य संकीर्तन भजन कीर्तन स्मरण किया होगा वो जन्म ले लेता है, उसके पुण्य प्रबल होते हैं, घर के माता पिता दादा दादी और परदादा दादी के कोई पुण्य प्रबल हुए होते हैं तब जाकर ये शिव पुराण की कथा अपने परिवार में हो रही होती है, ये विचार करिए। और लाखों भक्त करोड़ों लोग इस कथा का स्मरण कर रहे हैं, केवल तिल्दा नेवरा में छत्तीसगढ़ की धरा पर जितने बैठे वो नहीं, केवल आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर ना जाने करोड़ों करोड़ों लोग दिन भर इस कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। ये हमारे भीतर का भाव होना चाहिए कि हमें अगर 24 घंटे में से 4 घंटे सोने के लिए विश्राम के लिए उस
नंदनार को दिए जाते थे, बाकी के 20 घंटे उससे काम लिया जाता था, पर उसके मुंह पर सल नहीं आता था, क्योंकि वो शिव के भरोसे रहता था। अगर तकलीफ आई है, मिटाने वाला मेरा महादेव है। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जितने बैठे हो एक बार दिल से बोलिए, मेरे बाबा दया करना, मैं आवाज नहीं आई, जरा जम के फिर से बोलिए, मेरे बाबा दया, मैं तेरे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे, बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। उसके सहारे जी, दुनिया के भरोसे पर नहीं जीना, दुख आएगा सब साथ छोड़ देंगे, कौन आने वाला। अच्छा, फिर एक प्रश्न आपसे करें, उत्तर देना। जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, हॉस्पिटल के उस आईसीयू रूम में, वेंटिलेटर के रूम में, तुम लोगों को जाने देते हैं क्या? सुबह 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मिलने का कह देते हैं, एक आध जनी जाना, चप्पल बाहर उतारना, अंदर जाना। चप्पल कहाँ उतारना? अरे जम के तो बोलो। वाह, अब तुम कहोगे कि वेंटिलेटर का रूम है तो हमारी चप्पल क्यों बाहर उतरवा? चप्पल बाहर। उस वेंटिलेटर के रूम में जाने के लिए उसकी चप्पल भी अलग होती है, बोलो सही है कि गलत? वो चप्पल पहन लो, अंदर चले जाओ, सफाई होना चाहिए। डॉक्टर को भी मालूम है कि वेंटिलेटर का रूम नहीं है, वो अंतिम घड़ी में कोई नहीं आता, तब वो जो वेंटिलेटर पर पड़ा है उसने जिसको याद किया पूर्व में, वो उसके पास बैठा रहता है। तो चप्पल बाहर उतारवा दिया जाता है कि वेंटिलेटर के रूम में भी जाना तो वहाँ नंगे पैर जाओ, या वहाँ की कोई चप्पल पड़ी है वो पहन कर जाओ, क्योंकि जो अंदर पड़ा है उसके साथ कोई नहीं है, केवल उसने जो पुण्य करा, उसने जो भजन करा, उसने जो शिव कथा सुनी, उसने जो लोटा भर के जल चढ़ाया, बस वो और उसका महादेव उसके साथ पलंग पर है, बाकी के सब बाहर। कौन आए? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। लोटा भर के जल तुम चढ़ाते हो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है, बेलपत्र तुम चढ़ाते हो,
बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है। बाबा ने पकड़ लिया, अब तुम्हें चिंता नहीं करना, अब छोड़ दो उसके ऊपर। एक माँ ने लिखा है कि मेरे बेटा और बेटी की शादी नहीं हो रही थी, किसी ने पत्र में लिखा, पत्र ढूंढ रहे सुतो का, बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही थी, उसने भगवान से प्रार्थना करी, पशुपति व्रत करा, तो भी नहीं हुआ। उस माँ ने लिखा, तब मैं शंकर जी के मंदिर पहुंच गई, तुमने कथा में कहा था तुम अपनी औलाद मानोगे, तुम अपने बच्चे मानोगे, तुम अपने बच्चे मान रहे हो इसलिए बाबा वो शादी नहीं होने दे रहा, तुम सोच दो कि ये औलाद तुम्हारी है, ये बेटा तुम्हारा, बेटी तुम्हारी, अब शादी भी किसको करना है, तुम्हें करना है। दहेज लेकर कौन आएगा, तुम। पक्का कौन करेगा, तुम। उसने लिखा पत्र में, पत्र के अंदर लिखा उसने, मैंने जिसने लिखा होगा वह यहां बैठी होगी, मेरे बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही, पशुपति व्रत कर लिए, सब कर लिया, फिर आपने कहा था भगवान के कर दो, ये भगवान के हैं, और मैंने अपने बेटा बेटी को भगवान पर छोड़ दिया। 2.5 महीने भी नहीं हुए गुरु जी, बाबा ने ऐसा जगह संबंध करा कि मैं भगवान को यहां प्रणाम करने के लिए, ये पत्र में लिखा, इन पत्रों के ढेर। उसको ढूंढा जाए तो समय लगता है, थोड़ा पढ़ लेते हैं तो रख लेते हैं ध्यान। अंत समय प्रभुआना, वचन दिया तो निवाना पड़े, आए ना आए प्रभु कुटुंब करी, अंत समय प्रभु और वचन दिया तो निवाना पड़े। शिव कृपा उसी को कर, अब ढूंढे सो तो टाइम लगे, शंकर की करुणा इसी को कर। एक पत्नी ने संकल्प ले लिया, मेरे पति की सरकारी नौकरी लगना चाहिए, तेरे दरवाजे पर आती हूं, उसका भी पत्र। मेरा नाम प्रिया निर्मलकर, मेरे पति राकेश निर्मलकर, गांव खौली आरंग, खौली है कि रवोली है, हैं खौली ना, खौली आरंग, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं, अच्छा इधर है, ठीक है, हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। संकल्प ले लिया, नौकरी लगना चाहिए सरकारी, तेरे भरोसे हूं, बाबा का व्रत करा, पूजन करी, आराधना करी, एक लोटा जल समर्पित कर। मेरे पति ने 2016 में एक नौकरी का अप्लाई करा था, और बाबा सुनता कैसा है वो समझने वाली बात। अब 16 17 18 19 20 21 22 23 कितना हो गया, 8 साल के करीब, और इसने शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा से विनती करना प्रारंभ करा, रोज कहती पति का कहीं जॉब, बाबा तू संभाल लेना। 16 की नौकरी का अप्लाई करा, भूल गई, एग्जाम दिया भूल गए, अब 8 साल बाद बाबा ने उसी नौकरी को भारतीय रेलवे में पाइसमैन के पद पर मेरे पति को लगा दिया। ये शिव तत्व, बधाई बाबू आपको, एक बार दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव, बैठिए, श्री शिवाय नमस्। 16 में एग्जाम दिया भूल गए, हम तो बाबा के भरोसे चलते, भोले बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले चलते। अब उसने क्या करा, केवल शिव पर भरोसा, भगवान शिव की भक्ति में रम गए, उसने सोच लिया अब तुम्हारी, अब मेरा नहीं है, अब तुम्हारा है,
पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो टूट जाए हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी। क्या होगा? आज लोग कहते हैं गुरुजी आपके पास में इतने पत्र आते हैं, दुनिया के लोगों का इतना काम होता है, कारण क्या है? आप किसी को कोई बूटी देते हो, कोई बेल देते हो, कोई भभूति देते हो, कोई सामान देते हो? हमने कहा कुछ नहीं देते उनको, केवल एक ही बात कहते हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव के दरवाजे पर जाइए, शंकर की भक्ति करिए, भगवान का भजन करिए, शिव तत्व को जानने का प्रयास करिए, वो संभाल लिया। हम उसके सहारे जीना चाहते, दुनिया के सहारे नहीं। अब ये 2016 की नौकरी के लिए अगर ये दीदी 50 ऑफिसरों से जाकर मिलती, भैया जी हमने 16 में एग्जाम दिया था, नेताजी हमने 16 में एग्जाम दिया था, भैया प्लीज कुछ करो ना, एप्लीकेशन देती, हाथ जोड़ती, निवेदन करती, ईमानदारी से बोलना कोई करवा देता क्या, फाइल आगे बढ़वा देता क्या? नहीं, ये हाथ जोड़ती रह जाती, सबसे कहती रह जाती, भैया जी हाथ जोड़ो नौकरी, भैया जी नौकरी, भैया जी नौकरी, कौन दे? और ये फाइल उसने शिवजी पर सौंप दी। एक लोटा जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, मंदिर की सफाई करती, मंदिर का निर्माल्य उठाकर विसर्जन करती, बस ये काम करते करते बाबा ने वो 16 की 23 में भगवान ने पूरे भरोसे के साथ दे दी। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लोग कहते महाराज तुम कहते हो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हम तो भोले के भरोसे पर कथा करते हैं, हम उसके विश्वास पर कथा करते हैं, हम उसकी श्रद्धा पर कथा करते हैं। रामचरितमानस में लिखा शंकर विश्वास रूपिणो, पार्वती के लिए लिखा वो श्रद्धा है। जब विश्वास और श्रद्धा प्रबल होते हैं तब भगवान भी सामने आते हैं। हमने रामचरितमानस में पढ़ा है, श्रीमद् भागवत में शंकर की स्तुति को पढ़ा है, विष्णु पुराण में, गर्ग संहिता में, स्कंद पुराण में शंकर की महत्वता को जाना है कि शिव क्या नहीं कर सकते, तो हम क्यों फिर दुनिया के सहारे। और जल चढ़ाने में तुम कभी मत सोचना कि सियोर वाले का कुछ बिगड़ेगा, सियोर वाला तो उसके भरोसे पर बोल देता है, अब उसको संभालना है कि वो क्या कर सकता है, ये उसके ऊपर। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दो उसके ऊपर, भरोसे पर छोड़ दो उसके, छोड़ो एक बार, जो काम तुमसे ना हो, तुम्हारे रिश्तेदारों से ना हो, तुम्हारे परिचितों से ना हो, छोड़ दो बाबा को। जो काम किसी से ना हो बाबा के भरोसे छोड़ दो। तुम आज से नियम ले लो छत्तीसगढ़ वालों, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी, और जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं वो भी, जो काम तुमसे ना हो, हाथ जोड़ जोड़ के रह गए, पांव पड़ पड़ के रह गए, भैया देख लो ना, भैया आप करा दो ना, भैया मेरा ये काम करा दो ना, दुनिया के हाथ जोड़ जोड़ के रह गए। आज नियम लो अधिक मास से, सावन के महीने से, अब नहीं बोलूंगी तुमसे कि तुम करना, अब बोलूंगी मेरे काल अधिपति महाकाल से, उससे बोलूंगी वो करेगा, मेरे शिव से बोलूंगी वो करेगा। तुम लोग नंबर भी गलत डायल करते हो ना, दिक्कत तो तुम्हारे साथ ये है, लगाना था बिमला देवी को, लग गया कमला देवी, तो नंबर ही गलत डायल करते, तुम्हारी आदत ही बुरी है। तुम तो उसमें क्यों, जैसे एक पत्नी, एक पत्नी मर गई, वो उसका अंतिम संस्कार करके आ रहा था, उसका नाम था जो भी ये नाम हो उसका, और मर गई। अब मैं किसी का नाम ले दूं तो वो कहेंगे हम तो अभी जिंदा बैठे और महाराज के मर गए। अब उसकी पत्नी मर गई तो नाम पत्नी का लू ही नहीं तो अच्छा है। अब पत्नी मर गई, उसका अंतिम संस्कार करके आ रहा था। अब एक पति है, उसकी पत्नी का दिल्ली में जॉब लगा था, पत्नी ने पति को मैसेज किया, उस पत्नी ने दिल्ली वाली ने कि मैं अच्छे से पहुंच गई हूं, कुछ दिन में मैं आपको यहां पर बुला लूंगी। वो मैसेज जाना था उसके पति को, पहुंच गया इसके पति, जो ये